हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री साधना 60 के दशक में टॉप की अभिनेत्री थी। साधना का पूरा नाम साधना शिवदसानी था। साल 1960 में लव इन शिमला फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म को तो अच्छा रिस्पांस मिला ही, इसी के साथ साधना का फिल्म में हेयर स्टाइल इतना फेमस हो गया कि वो उनका स्टाइल स्टेटमेंट ही बन गया था। साधना ने हिंदी फिल्मों में अपने सफर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। इसके बाद महज 15 साल की उम्र में कैमियो में नजर आई थी। इसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक रोल मिलने लगे। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि पहली ही फिल्म में राज कपूर और साधना में ऐसी अनबन हुई थी कि वो उनसे बेहद नफरत करने लगी थी। साधना का जन्म पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ बसा। साधना के पिता को एक्ट्रेस साधना बोस पसंद थी, इसीलिए अपनी बेटी का नाम भी उन्होंने साधना ही रखा। साधना ने महज 14 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। राज कपूर की फिल्म श्री 420 में एक गाना मुड़ मुड़ के ना देख के कोरस में साधना थी। इसके बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में सिंधी फिल्म अबाना में लीड रोल में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें केवल 1 रुपए का टोकन अमाउंट मिला था। इस फिल्म के बाद एक मैगजीन में साधना की तस्वीर छपी। तब के मशहूर प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी ने वो तस्वीर देखी और साधना को पहला मौका अपनी फिल्म लव इन शिमला में दिया। फिल्म के डायरेक्टर आर के नैयर को साधना का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। नैयर को साधना का माथा बहुत बड़ा लगा। उन्होंने हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न की तरह साधना का हेयर स्टाइल करवा दिया और माथा छुपाने के लिए आगे के बालों को माथे पर बिखेर दिया। बाद में साधना की यही हेयर स्टाइल उनकी पहचान बन गई। साधना लक्स साबुन की शुरुआती मॉडल भी थी। एक्ट्रेस साधना उस दौर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। साल 1995 में पति के निधन के बाद साधना बिल्कुल अकेली रह गई। वहीं आखिरी दिनों में वो मुंबई में एक किराए के बंगले में रहती थी। ये बंगला आशा भोसले का था। एक्ट्रेस साधना को थायराइड की बीमारी हो गई थी। आखिरी दिनों में उनके पास उनका कोई भी करीबी नहीं था, जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। इस बात का खुलासा उनकी खास दोस्त और एक्ट्रेस तबस्सुम ने साल 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान किया था। आखिर में 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उनका निधन हो गया। बॉलीवुड की ऐसी चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बॉलीवुड की ऐसी खबरें, फिल्मी गलियारों की ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।